शुभोदय बच्चों, नारायणालय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को स्वराज्य की नींव पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। बच्चों सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ था, रेखांकित शब्द को अंकों में लिखिए। 1912 के नीचे रेखा की गई है, उसे अंकों में लिखना है। तो इस प्रकार हम अंकों में लिख सकते हैं बच्चों, सही विकल्प ए है। तो दूसरा प्रश्न है, स्वराज्य में उपसर्ग क्या है? स्वराज्य में उपसर्ग स्वा है, सही विकल्प ए है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पहचानिए। तो और जब भी आएगा दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में, वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, सही विकल्प सी है बच्चों। चौथा प्रश्न, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, इस वाक्य में क्रिया शब्द पहचानिए। क्रिया शब्द है दूंगी, सही विकल्प बी है बच्चों, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद कीजिए। पर प्लस अधीन, पराधीन होता है, दीर्घ संधि है ये, सही विकल्प ए है बच्चों, ठीक है। अभी छठा प्रश्न है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ चार वाक्य दिए गए हैं, उसमें से अशुद्ध वाक्य है हम पढ़ा हूं, ये जो वाक्य अशुद्ध वाक्य है, सही विकल्प सी है बच्चों, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है, वह निश्चय ही महान होगा। निश्चय के नीचे रेखा की गई है और उसका संधि विच्छेद करना है। निह प्लस चय निश्चय, विसर्ग संधि है बच्चों, ये सही विकल्प डी है। आठवां प्रश्न है, मैं प्रसन्न हूं, रेखांकित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रसन्न के नीचे रेखा की गई है, प्रसन्न का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? प्रसन्नता, सही विकल्प बी है बच्चों। नवा प्रश्न है, आंखें खुलना का अर्थ क्या है? आंखें खुलना, ज्ञानोदय होना, मुहावरा है ये, तो सही विकल्प सी है बच्चों। दसवा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पहचान लिए। तो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश सही वर्तनी है और इसका सही विकल्प सी है बच्चों। ये रहे आज के प्रश्न पत्र के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।